चुकी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने आज हमें इंतहाई पुरवकार तकरीब में मदू किया और बख्शी और नेशनल हाईवे पर मुख्य पुलिस डीएसपी साहब ने बताया वतन अजीज में कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले तमाम रोड यूजर्स कम्यूटर्स की जान माल रोड सेफ्टी से मुतल्लिक चंद गुजारिशात आप लोगों के सेफ्टी के लिए आपकी सिक्योरिटी के लिए हमें खुशगुजार करने की तौफीक दी। हाजरीन मजलस शायर मशरक टीम उलमत वाकफे इसरार और रुजू हकीकत हजरत सर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब उसमें एक नज़म है इब्लीस का फरमान अपने सियासी पसंदों के नाम इसमें उन्होंने लिखा है मुसलमान के मतलब इब्लीस अपने सियासी पसंदों को अपने पैरोकारों को अपने अकीदेमंदों को क्या मैसेज दे रहा है ये फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा ये फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा रूहे मोहम्मद इसके जिस्म से निकाल लो और फिक्र अरब को देकर तुरंत भी तखेला इस्लाम को और जादो यमन से निकाल दो। गैर मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की यही साजिश लेकर दुनिया में इबलीसी कुव्वतें शुरू से मसरूफ़ अमल रही हैं और टारगेट यही रहा है कि मुसलमान अपनी रूहानी मुआशरती और इखलाकी इकदार से महरूम कर दिया जाए कि ये वो कदरें हैं जिसकी वजह से इसको ग़ुलाम बनाना इसको ज़ैर करना इसको शिकस्त देना नामुमकिन हुआ है। लेकिन ग़ुलाम मुस्तफ़ा शैफ्ता ये बड़े अच्छे शायर हुए उनकी बात भी याद आ गई वो फरमाते हैं कि नादान ये समझते हैं कि जबर से दबा देंगे ये जुल्म के हथकंडे शोरों को हम आ देंगे इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है ये इतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे। आज पास स्कूल में आकर अपने ज़ाती तौर पर एक गुना को इत्मीनान एक मुसरत और एक खुशी हासिल हुई है कि नहीं अभी इलम शऊर आग ही इखलाकियात के चराग जल रहे हैं। असदुल्ला कलवड़ गुल हसन सोमरो और उनकी टीम इन चिरागों को जुल्म जबर इस्तेसाल की तेज़ हवाओं से बचाने के लिए एक साया बनकर खड़े हुए हैं और मेरे वतन अजीज़ का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में यही बच्चे और बच्चियाँ इस मुल्क की इज़्ज़त इक़्तदार को संभालेंगे इस मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करेंगे और हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरक़ और हमारे ख्वाब जीने तहरीके क़यामे पाकिस्तान ने जो ख्वाब देखा था उसको शर्मिंदा तबीर करेंगे। आज इस प्लेटफार्म से आपके जो मेल और फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मैं खसूसी तौर पर गुजारिश करूँगा कि ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं तो कोशिश करें इनके अजहान में इनके कलूब में वतन से मोहब्बत का जज्बा फूट फूट कर भरें
क्योंकि ये वो जज्बा है जो एक एक शीशा पलाई की दीवार और एक आहनी चट्टान बन के खड़ा हुआ है और हमारे दुश्मनों की नज़रों में खटकता है। आज जिस तरह नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस मदीन अजीज की जहरात पर अपने लोगों की खिदमत के लिए कमर बस्ता है, हमें भी उस एक जज्बे ने खड़ा किया हुआ है। आप सब हजरात को इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि पुलिस चंद साल पहले, चंद दहाइयाँ पहले एक खौफ और एक दहशत का एक सिंबल होता था, लेकिन आज नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मैदान अमल में आने के बाद हमें आप लोगों ने ही फ्रेंडली पुलिस का एक टाइटल दिया है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे माइंड्स में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ऑफिसर्स के माइंड्स में, हमारे हार्ट्स में इस चीज़ को इंकल्केट किया गया कि ये रोड यूजर्स, ये कंप्यूटर्स, ये हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ये हमारे गेस्ट हैं, इनकी इज्जत, इनकी जान, इनकी आबरू की हिफाजत हमारा फर्ज अवलीन है। इसी जज्बे ने आज हमें तमाम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, आप लोगों की इतला के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 15 पुलिस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। सिंध पुलिस है, पंजाब पुलिस है, बलोचिस्तान पुलिस, FIA, आज़ाद कश्मीर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस को 15 ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर इज्जत और एहतराम का और प्यार हम चलाएँ तो ये कहने में आज महसूस नहीं करता कि मोटरवे पुलिस नंबर वन। वंस अगेन मैं असदुल्ला कलवर साहब का और गुलशन सोमर साहब का, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर मौजूद किया। मेरी दुआ है कि मोहब्बत शाऊर आग ही इखलाकियात के ये चिराग सदा फरोजा रहे, रोशन रहे और आपका ये इदारा दिनोंगनी रातों की तरक्की करे। शायर मशरक के अल्फाज में उन्होंने एक दुआ की थी साकी नामा में, वो दुआ करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपने दुआ की थी जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, मेरे दीदाए तार की बेख्वाबियाँ, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियाँ, उमंगे मेरी, आरज़ूएं मेरी, उम्मीदें मेरी, जुस्तजुएं मेरी, यही कुछ है साकी मताए ताईद, इसी से फकीरी में हूँ मैं अमीर, मेरे काफिले में लुटा दे ठिकाने लगा दे से। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपकी फीमेल स्टाफ ये गुलशन सोमर साहब बताया कि 6 फीमेल स्टाफ है, तो हर स्टाफ मेंबर के लिए मैं 500 रुपया इनाम अनाउंस करता हूँ। अभी जाते हैं कलवर साहब पर माना देखेंगे, मेरी वो बेटियाँ जो आंधी तूफान सर्दी गर्मी बारिश हर तरह के मौसम का मुकाबला करते हुए यहाँ पर इस स्कूल में आती हैं और बच्चियों को आगे इलम और शौक जो है वो ट्रांसमिट करती हैं। उनकी हौसला अफजाई हम सब का एक मुश्तर का फ़र्ज़ है, वो अपने उसी उनके लिए एक एहतराम के जज्बे के तहत उनको ये मेरी तरफ से प्यार होगा और मैं उनको खुशी शाबाश देता हूँ, वो इतनी मोहब्बत के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। बेटियाँ जो मेरी बात सुनी आज तीन बताया कि आई हुई है, तो हर एक फीमेल मेंबर के लिए 500 रुपया सोमरो साहब को दे देंगे, तो बच्चियाँ सोमरो साहब से अपना इनाम है। थैंक यू।